जवानी दीवानी होती है। अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो वाकई में ऐसा लगता है कि ये बात काफी हद तक दुरुस्त ही है। और ये दीवानी जवानी का मर्द ज्यादातर मर्दों को लाहक होता है और इसका शिकार खवातीन हो जाती हैं। जवानी दीवानी से मुराद ये है कि हमारे रिश्तेदारों में, पड़ोस में, दोस्तों में और दफातर में ऐसे लोग अक्सर पाए जाते हैं जो काफी शोख मिजाज होते हैं, जो कभी एक रिश्ता बनाकर उस पर कायम नहीं रहते। उन्हें हमेशा कुछ नए की तलाश होती है, इसीलिए वो एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसको रिश्ते में कैद करके फिर दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक के बाद एक उन्हें प्यार हुआ चला जाता है। कई बार वो इस बात का भरमला इजहार करते हैं कि वो पहले से किसी रिश्ते में है या शादीशुदा है। कभी ये नई नई दोस्तियाँ फेसबुक पे होती हैं और कभी दफातर वगैरह में। आइए आज भी ऐसे ही चंद कहानियाँ आपके सामने पेश करते हैं, तो देखिए जवानी दीवानी पाकिस्तान के नंबर वन मॉर्निंग शो आपका साहिर में। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। आज का शो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका आए मुजना, आ जाइए, आ जाइए। डॉक्टर मुजना के लिए बहुत सारी तालियां जी। हमारे साथ डॉक्टर इमरान जोफा तशरीफ रखते हैं, बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के लिए। खान हसन अफरीदी साहब तशरीफ रखते हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां। फिजा शोएब तशरीफ रखती है, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आराम से बेटा, आराम से, आराम से, आराम। बात कर रहा है और जो गेस्ट है उसको नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। हम रिडिकुलसली एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं कि जहां हमें झूठ और सच की कोई तमीज नहीं रही, जहां हम इंफॉर्मेशन को तो हमेशा से हमने नॉलेज के तौर पे ट्रीट किया, पास इंफॉर्मेशन है और वो उसे नॉलेज के तौर पर लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं। इत्तला इल्म का नेमुल बदल नहीं है। माशरे के बिगाड़ के जिम्मेदार कौन है? हम, हमारे लिखने वाले, हमारे टीवी चैनल्स? ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम माशरे की कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जिनको हम फेस करने से घबराते हैं। सबसे पहली रियलिटी ये है कि हम डबल स्टैंडर्ड्स में मुब्तला हैं, हमारे मेयार दोहरे हैं।
पहला हमारा मेयार ये है कि अगर हम बात करें तो वो सही है, अगर दूसरा बात करे तो वो गलत है। आज हम बात करेंगे मोहब्बतों की। हमारे यहाँ हर शख्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्यार कर रहा है। अव्वल तो मैं प्यार को समझ ही नहीं पाता, बिकॉज मेरे ख्याल में ये बहुत ओवररेटेड चीज़ है। आई थिंक एग्जिस्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार हम अपने आप से करते हैं। और जब हम ये बकवास मानने को तैयार ही नहीं है, और जुल्म करते रहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसी पे सबसे ज्यादा सितम तोड़ते हैं। और प्यार अब तो बड़ी कन्वीनियंस का नाम हो गया है, चंद महीनों के लिए भी हो जाता है, दो तीन साल के लिए भी हो जाता है, और कुछ प्यार तो दो चार घंटे। सच्ची हैं, हमने सिर्फ इसको रीएक्ट किया, लेकिन कहानियां तमाम की तमाम सच, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद कहानियां शुरू करते हैं। पहली कहानी से आपको मिलवाऊंगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ शाजिया हैं और हमारे साथ अहमद। मैं चाहता हूं कि इन्हीं लोगों से पता चले आपको, उसके बाद मैं पूरा पैनल खोल दूंगा, आप लोग डिस्कस कीजिएगा, मैं वहां जाके इतमान से खड़ा हो जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक आप लोगों की मौजूदगी में फरीदा आपा आ गई हैं। फरीदा आपा के लिए बहुत सारी तालियां। शाजिया की मुलाकात, शाजिया ये हैं, शाजिया की मुलाकात अहमद से, अहमद ये हैं, दिखा दीजिए कैमरे में, थैंक यू सो मच, आपने अहमद को दिखाया, अहमद ये हैं, शाजिया ये हैं। इनकी मुलाकात फेसबुक पे हुई थी, हुआ क्या आप इन्हीं से जानिए। शाजिया जी, हमारी मुलाकात सोशल नेटवर्किंग साइट पे हुई थी, इनकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो इनका मैसेंजर पे मेरे पास टेक्स्ट आया था कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। पर ये आपको जानते नहीं थे? नहीं, अननोन पर्सन थे ये। तो अजनबियों से कोई ऐसे बात की जाती है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है? Then, मैंने तब भी एंगल अच्छा, आई गेस। और आपके फेसबुक पे फैंस कितने? फ्रेंड्स, फैंस 50 उस वक्त जब आई थी जी मैसेज, उसके बाद पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ?
नहीं अभी भी 50 है. अभी भी 50 ओके. तो इनका मेरे पास मैसेज आया था कि ज़रूरी बात है तो आप प्लीज़ रिप्लाई करें. देन मैंने रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन 3 दिन तक फिर इनके मैसेजेस आते रहे, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं, क्वेश्चन मार्क्स. देन मैंने उनको रिप्लाई किया कि आप कौन हैं. तो इन्होंने कहा आप प्लीज़ पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं कौन हूँ. अच्छा, बेसिकली हालांकि जिसको बात करनी होती है वो वहीं पे बात कंटिन्यू कर सकता है मैसेंजर पे, जैसे वो बाकी सारी बातें कर रहा था वो आपसे. रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं अपनी बात कहने के लिए. बट एनीवे कंटिन्यू. देन आई एक्सेप्टेड. उसके बाद जब मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो कोई ख़ास बात नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, बस वो चाह रहे थे कि मैं फ्रेंडशिप कर लूँ इनके साथ. क्या कर लें? फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप ओके. यू नो व्हाट दैट इज राइट? आई डोंट नो. देन डेली बेसिस पे ये बात करना चाह रहे थे मुझसे और काफ़ी टेक्सेस करते थे, बट मैं रिप्लाई नहीं करती थी और एक्सेप्ट मैंने कर ली थी रिक्वेस्ट. रिप्लाई भी नहीं करती थी, एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट, ब्लॉक और डिलीट करने का ख्याल नहीं आया. आया फिर बाद में. उसके बाद फिर फ्रेंडशिप में ये बातें करते रहे. इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रिलेशनशिप करना है आपके साथ सडनली. तो फिर मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे नहीं बात कर सकती एंड आई एम ब्लॉकिंग यू. तो मैं ब्लॉक किया इनको. देन इनकी किसी दूसरी आईडी से, फेक आईडी से, इनका फेक नेम था, उससे रिक्वेस्ट आई थी मुझे और वो आईडी लड़की के नेम से थी. देन मैंने वो एक्सेप्ट की. उसके बाद मुझे पता चला बाद में जाके कि ये लड़की नहीं है, लड़का ही है. और ये वही लड़का है जिसने मुझे पिछली आईडी पे मैंने इसे ब्लॉक किया था. जो कि वो भी आईडी फेक हो सकती थी. तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो सच. अच्छा, हुआ क्या फिर उसके बाद? चलिए ये तो मान लिया आपने इनको ब्लॉक भी करना चाहा, आपने ब्लॉक कर भी दिया. इन्होंने आपको एक फेक आईडी से कॉल किया और उसके बाद आपने इनको एक्सेप्ट भी किया, आप इनसे बात भी करने लगी, फिर क्या हुआ? उसके बाद हमारी बात अच्छी होने लगी, फिर हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बन गए, डेली बेसिस पे बात होती थी. उसके बाद इन्होंने फिर रिलेशन का मुझसे कहा. देन मैंने कहा कि रिलेशनशिप होगा लेकिन आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप सीरियस. उसके बाद फिर जो है घर वालों में बात चली गई, इनके घर वालों को पता चला, मेरे घर वालों को पता चला. देन शादी तक बात चली गई. बट जब मेरे घर वालों ने वेरीफाई किया इनकी तरफ, इनके घर वालों को, तो तब जाके पता चला कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड. देन आई वॉज लाइक कि अब इन्होंने मुझसे, मतलब इनकी पहले से शादी हुई भी थी जी, इन्होंने मुझसे झूठ कहा था पूरे रिलेशन में. इन्होंने मुझसे झूठ कहा शुरू से लेके आखिर तक. कितने अरसे का रिलेशन है? तकरीबन एक साल. अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इन्होंने जो बातें आपको बताई हैं वो मुकम्मल नहीं है. वो मुकम्मल ये हैं कि मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है ओके, और बातचीत हमारी होने लगी. ये रिजर्व थी, नहीं कर रही थी, सच बोला इन्होंने. उसके बाद फिर बातचीत जब हमारी होने लगी तो मैं कंटिन्यूसली अट्रैक्ट करती थी, मुझे अच्छी लगती थी, अच्छी लगती हैं, तो मैं इनसे बात करने लगा. फिर मैंने इनको बोला मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है. हमारी फ्रेंडशिप हुई, फिर 3-4 महीने तक हमारी फ्रेंडशिप पे इसी तरह बातें कंटिन्यू रहीं, अच्छी बातें रहीं, बताती थी क्या अच्छी बातें क्या होती हैं, मुझे बताएंगे एग्जांपल. मतलब नो हाउ रहा कि फैमिली के बारे में बताती थी, मैं भी बताता था. एक एक से नहीं, फर्स्ट करो अहमद, मैं शाजिया हूँ, क्या बात करोगे मुझसे तुम, क्या बोलोगे, अच्छी बातें, कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या करती हो, कहाँ आना जाना है, कितनी फ्रेंड सर्किल है तुम्हारा. तीन महीने मैं उनके साथ बड़ा खुश था, वो मेरे साथ बड़ी खुश है, लेकिन मैं फ्रेंडशिप मैं आपको बताऊं, मैं फ्रेंड तलाश कर रहा था. मैंने ऐसा कुछ, मुझे हम थोड़ा सा और रिवाइंड करते हैं. यार आप सुन तो लें क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं फ्रेंड तलाश कर रहा हूँ. अच्छा, तो रैंडमली जो लड़के होते हैं वो रैंडमली फेसबुक पे लोगों के प्रोफाइल्स देख के फिर लड़की सिलेक्ट करते हैं कि इससे करनी मैंने इससे. नहीं नहीं, लड़के ऐसे होंगे, मैं ऐसा नहीं था, मुझे ये अट्रैक्ट करी इनकी पिक्चर्स, बड़ी प्यारी आती थी और पिक्चर्स इसकी आपके टाइमलाइन पे खुद ब खुद आ गई. सजेशंस में आई थी तो मैंने फिर इनको, इनकी प्रोफाइल विजिट किया. गलती फेसबुक की है. और जब मैंने इनका प्रोफाइल विजिट किया, विजिट करने पर बहुत अट्रैक्ट की मुझे, बहुत अच्छी लगी, नो डाउट. लेकिन आप अपने घर में अपनी बीवी के साथ एक्चुअली बहुत खुश भी हैं. जी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, टाइम भी देते थे तो अब मसले हैं क्योंकि उनको पता लगा है. तो अब आपका मतलब है अब भी मसला नहीं होगा? मतलब एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा मसले चल रहे हैं अभी. फिर सीन ये हुआ, ये हमारी बीच में इस एक साल नहीं 11 महीने कुछ दिन हुए हमें, तब से अब तक इन्होंने 4 महीने बाद मुझे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मैंने इनसे रिलेशन की बात की थी.
और इन्होंने वो मना कर दिया था. फिर मैंने अपना फेक अकाउंट क्रिएट किया सिर्फ इनके लिए, सीरियस था तभी तो किया ना. फेक अकाउंट मैंने बनाया, इनको रिक्वेस्ट सेंड की, इनसे बात बात की. उसके बाद भी तकरीबन विद इन अ वीक मुझे लगा कि मैं वो हूँ. पहले मैंने पूछा कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, तो इन्होंने मतलब फेक मैं लड़की ही बना रहा, और मैंने इनसे पूछा तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ, तो डिस्टर्बिंग लग रही है वो, ये बता नहीं रही थी. फिर मैंने कहा मैं वो हूँ, मैं अहमद हूँ. तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि तुम वापस और ये वो, तुम चीप हरकतें कर रहे हो और ये सूट नहीं करती इस तरह इस तरह. इन्होंने फिर मुझे दोबारा ब्लॉक कर दिया उस आईडी से भी. आपको रिलेशनशिप क्यों चाहिए था? तो दोस्त हमारी, मैं आपको बताऊँ ना, हुआ ये था, इन्होंने वो बात स्किप कर दी. हमारी 7 मुलाकातें हो चुकी हैं, 7 मुलाकातें हुई हैं इस पूरे 11 महीने के अरसे में, 7 मुलाकातें हुई हैं. उन मुलाकातों में मैंने ही बहुत फोर्स किया था, ये ऐसी नहीं थी, मिल भी नहीं रही थी, मैंने बहुत फोर्स किया तो ये आई. तो उन 7 मुलाकातों में अच्छी अच्छी बातों में कभी ये जिक्र नहीं हुआ कि आपकी बीवी कैसी है? मैं अगर इनको बता देता, क्योंकि आपको नहीं लगता है काफी मशरिकी ख्यालात की हैं ये, इनका सीन ये था कि अगर मैं इनको बता देता कि ये बिल्कुल एग्री नहीं होती, ये बिल्कुल एग्री नहीं होती, अगर आपको लगता है कि ये वो उन बंदियों में होती तो बीवी एक्सेप्ट करते हुए सब ठीक होता, मतलब ये मशरिकी इनकी एक्चुअली सोच नहीं, इनकी सोच इस तरह की थी कि ये वन मैन वुमन है, ये मिलने पे इतना वो कर रही थी, बात करने पे इतना वो कर रही थी. इनकी आईडी में टोटल लड़कियां हैं, कोई लड़का का नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपकी सोच समझना चाह रही हूं. मैं तो ये हैरान, चाहते क्या थे? इतनी आपने इन्वेस्ट किया, आपने मेहनत की. मैं चाहता हूं ब्रेक ले लें. ओके, एड्स का मसला, अगर हमने ब्रेक नहीं ली तो मसला हो जाएगा. यू गाइस कैन जंप इन. आप लोग भी अगर सवाल करना चाहते हैं तो मैं माइक आप लोगों को भी दूंगा, आप भी सवाल कर सकते हैं. तो छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. शाजिया और अहमद की कहानी में अहमद ने यह कहा है कि उनको फ्रेंडशिप की तलाश थी और शादी जो थी वो इनकी ऑलरेडी एक है और आपसे भी ये. तो अब सूरत हाल क्या है, आप शादी करना चाहती हैं इनसे? आप जी बिल्कुल भी नहीं, इस झूठ के बाद तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती इनसे. इन्होंने शुरू हकीकत से ही मुझे झूठ बोला है जो मुझे बहुत हर्ट हुआ है, तो मैं इनसे अब शादी नहीं करना चाहती. मैं इनको सच बता देता, लेकिन जब मैं इनसे मुलाकात की और मैंने इनको समझा तो मुझे पता लगा कि ये उस तरह की बंदी है ही नहीं कि मैं ये एडजस्ट करती ही नहीं बिल्कुल भी. कोई भी बंदी, मशरिकी मगरबी, कोई भी लड़की झूठ पसंद नहीं करती, ये धोखा है. तो अब तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे खुद कहां से लेकर, जिस तरह से तुम बोल रही हो मैं उस तरह चलने के लिए रेडी हूँ. मतलब इस तरह, अब आपकी जिंदगी में तो कोई नहीं है ना? नहीं, मेरी वाइफ है. आपकी वाइफ है, बस दैट्स इट ना जी. तो फिर एक काम करते हैं यार, फरिया को बुला लेते हैं. यार फरिया तुम भी आ जाओ यार, आ जाओ यार प्लीज, आ जाओ फरिया, आ जाओ प्लीज, आ जाओ फरिया, तुम प्लीज़ आ जाओ. तुम्हारी जिंदगी में तो कोई नहीं है फरिया, तो तुम आप प्लीज़ इधर इधर बैठे, यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए प्लीज़. माइक लगा हुआ है फरिया आपको जी. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, तो इनकी जिंदगी में कोई नहीं है? एक मिनट, अब मुझे बात करना तो यार अहमद, ऐसा नहीं, शाजिया ने अहमद से प्यार किया, अहमद से शादी के लिए तैयार भी हो गई, अहमद के घर वाले जब शाजिया के पास गए तो शाजिया के घर वालों ने जब रिसर्च की तो पता चला इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है. आज ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि इनसे बहुत प्यार करते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं और इनकी ज़िंदगी में अपनी बेगम और शाजिया के अलावा कोई नहीं है. तो ये फरिया कौन है? फरिया से ही सुनते हैं जी. फरिया अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. आप लोग मेरा नाम तो जानते ही हैं कि फरिया है जी. मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगी, लंबी है लेकिन छोटी करके बताऊंगी. हमारी बातचीत सोशल मीडिया पर स्टार्ट हुई थी. किसकी बात? मेरी और खावर की. अच्छा? खावर की? इनकी जी, खावर? खावर. कौन? ये खावर, ये अहमद है. एक्सक्यूज मी, ये खावर है, इनका रियल नेम खावर है. अहमद कौन है ये? इनका नाम अहमद है, शुरू से इन्होंने मुझे अपना नाम अहमद अच्छा, बताया वो पहला वाला प्रोफाइल भी मैंने इनका आईडी कार्ड देखा है. नहीं था मतलब शुरू से. खावर ये क्या सुन रही हूं मैं? घर में चलता है मेरे, अहमद बुलाते हैं. अच्छा. खावर नाम है मेरा ऑफिशियल, और अहमद से कॉल करते हैं उसी से. फिर मैंने अच्छा. जी official. मतलब रियल जो NIC पे वगैरह पे होते हैं पासपोर्ट वगैरह पे, वो खावर एजाज है भाई. और मेरा नाम अमिताभ बच्चन है आज से. आज से आप लोग मुझे श्रीमान अमिताभ कहिए बस. दैट्स इट. अहमद कॉल करते हैं.
और ये तुम्हें अहमद कैसे कह रही है? एक सेकंड, तुम अपनी बीवी से पूछो तुम कौन हो? नहीं, बीवी नहीं है, नहीं बेगम नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझसे वादा किया शादी की, गर्लफ्रेंड है, मुबारक हो। और मैं इनकी वाइफ को भी जानती हूं, इनकी वाइफ नहीं 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 लिसन 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 ओह माय गॉड, ये बेगम नहीं है, बेगम नहीं है, बेगम, शी इज ओनली अ फ्रेंड। अहमद आज आज मिलती रहती है, मैंने इनसे कभी कोई वादा नहीं किया, I swear, मैंने कभी कोई वादा नहीं किया, she is just a good friend, that's it. नाजिया से वादा किया है? जी बिल्कुल, और मैं उसको चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम झूठे हो। उनकी तो सुन ले, एक सेकंड, आप पहले ये बताइए, खावर सिर्फ आपके दोस्त हैं, इन्होंने आपसे कभी कोई वादा नहीं किया? इन्होंने मुझसे शादी के वादे किए और इनके झूठ भी मैंने पकड़े। इन्होंने मुझे मनाया है, अपने घर तक लेके गए, अपनी वाइफ से भी मिलवाया इन्होंने, इनकी वाइफ का नाम सायमा है। यार तो खुद सोचे, मैं अगर अपनी वाइफ से मिलवाऊंगा तो मैं ये अपनी वाइफ से ये इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, ये तुम्हारी, मैं इनसे शादी करने वाला हूँ, ये अच्छी फ्रेंड थी, हमारा इंट्रोडक्शन बना के मैंने घर पे जाके मिलवाया, मैंने सिर्फ घर पे क्या ट्रेंड चल रहा है, मुझे वाकई नहीं पता, झूठे हो तो अगर साहिर जो जिस तरफ ये प्रोग्राम जा रहा है ना, आई थिंक इसकी बुनियाद क्या है जो आपने इंट्रो के अंदर कहा था कि क्या किस आसानी से हम गैर जिम्मेदारी से ये चीजें आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं, राइट? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो बगैर किसी तहकीक के बात को आगे बढ़ाए, और फिर कुरान पाक में भी ये कहा कि जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो तहकीक तहकीक जो है वो कर लो, कहीं इस खबर से फसाद ना फैल जाए। दूसरी, मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता, ये भी रिवायत है। तीसरा, निकाह का रिश्ता अल्लाह ने दुनिया में भेजने से पहले मर्द और औरत का खुद बनाया और उसके बाद दुनिया में भेजा। इसकी स्कीम क्या थी कि मियाँ और बीवी के रिश्ते में औरत और मर्द बने, फिर एक घर बने, घर से एक फलाही माशरा बने। निकाह के रिश्ते को ऊपर चोट लगाई सबसे पहले मग़रिब ने और वो गिलाजत पहुंच गई अब हमारे यहाँ यहाँ पर। आप निकाह का रिश्ता तोड़ दें, हुरमत के रिश्तों के ऊपर सवाल उठा लीजिए, उसके बाद ये माशरे को बिखरता हुआ, बिगड़ता हुआ, तबाह होता हुआ देखें जो हम देख रहे हैं। और यही वो बुनियादें हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि जी निकाह का रिश्ता जो है वो उसकी मौजूदगी में जिना का रास्ता खुल रहा है ताकि ये चीज़ें बिगड़ें। डॉक्टर साहब यहाँ जो मसला है वो ये है कि इन्होंने इनसे भी वादा किया है, बेगम से भी मिलवाया है, इन्हें नाम गलत बताया है, इनसे भी शादी करना चाहते हैं, इनसे भी शादी करना चाहते हैं, और इन्होंने हमारे अपने फेसबुक अकाउंट जो है वो दिखाया और आपकी बातें दिखाई हैं, आपकी वेकेशन की प्लानिंग दिखाई है कि आप शादी के बाद इनको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ऑल दैट। तो आई मीन डोंट लाई टू हर, दोनों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने इनसे शादी का वादा किया है, ये तो मैंने देखा है। अच्छा, इसके अलावा आपने अकाउंट में ये भी लिखा है आपकी वो कॉन्वर्सेशन जो आपने हमको दी है, उस कॉन्वर्सेशन के अंदर ये भी पता है कि आपने कब शादी करनी है, आपने इनको अपनी बेगम से किस तरह से मिलवाया, क्या आपको अपनी बेगम से मिलवाया इन्होंने? नहीं, इनको मिलवा चुके हैं, और इनकी बेगम से आपकी सायमा से इनकी बात हो चुकी है। व्हाई यू लाइंग, व्हाई यू सिट देयर एंड व्हाई यू लाइंग? ये दो खवातीन है, इनकी जिंदगी का सवाल है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं इसको लाइक करता था, मैंने इस वक्त सवाल इनका नहीं है, मेरा सवाल है आपने इस वक्त हमारे सामने उनके मामले में झूठ बोला। अभी जब मैंने आपको आपके फेसबुक अकाउंट का हवाला दिया और आपकी कॉन्वर्सेशन का हवाला दिया तो आप जाके मान रहे हैं, और अभी भी आप मुझसे ये कह रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आपने इनसे शादी का वादा नहीं किया, आपने इनको बेगम से नहीं मिलवाया, क्या आपने इनको, आप क्या आपने इनको नहीं कहा कि आप इनको दुबई लेके जाएंगे? फरिया से सीरियस नहीं था, फरिया तुम खुद जानती हो मैं तुमसे सीरियस था, तो बताओ ना, जवाब दो ना। तुम सीरियस थे? मैं सीरियस तुमसे कैसे था, हमारी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तुम पता नहीं कहाँ लेके चले गए उन बातों को। अच्छा, मजाक दोस्तों में एक सवाल है, तो आप मजाक में इनसे शादी करके इनको दुबई लेके जाना चाहते थे? मजाक इन्होंने कहा आई लाइक यू यार, मैंने कहा मैं तुम्हें भी लाइक करता हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर, मैंने कहा लेट्स गेट मैरिड, तो ये तो मजाक है ना यार, क्योंकि मुझे पता था, इसको पता कि मेरी वाइफ है, ये सीरियस लेगी नहीं, मैं मुझे पता था कि मैं इसको इंट्रोडक्ट बाहर निकाला उसको शो से, शादी मजाक है क्या? मुझे इसने पता कुछ बैलेंस जरूर करे, एक तो ये लड़का वर्सेस लड़की नहीं है, ये टॉपिक लड़का वर्सेस लड़की नहीं है, दूसरी बात ये है कि जी ये इनकी वाइफ मौजूद थी, आपको मिलाने के लिए लेके गए, आप चने खाने गए, पकौड़े खाने गई थी वहाँ पे, आप क्यों क्या करने गई थी? आप मुझे बताइए इनका आपसे क्या रिश्ता था जो इनके साथ आप इनके घर पे इनकी वाइफ से मिलने के लिए, क्या रिश्ता है आपका? इन्होंने पहले मुझे यही बोला था कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड वहाँ शो कर, एक भी रुक जाना था, पहले तो शायद एक प्रोग्राम कर रहा था जिसमें ये जरा मुझे डिफाइन कर दें, ये फ्रेंड का मतलब क्या होता है? What is equal to friendship? What is लड़का लड़की friendship?
निकाह के बाहर कौन सा ऐसा रिश्ता होता है जिसका कोई टाइटल होता है? निकाह के अलावा जो भी रिश्ता होता है वो सिर्फ हरामकारी होती है, उसका आगाज यही से शुरू होता है। बदनजरी से बदकारी तक इंसान पहुंचता है, इसलिए दीन बदनजरी को रोकता है, बदकारी पे ना चले जाए। अगर आप ये कहें कि जी ये इंतहाई खराब आदमी है और ये सारे बहुत अच्छे आदमी हैं, हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, एक एक साल तक गुफ्तगू भी कर रहे हैं, एक एक साल तक बात भी कर रहे हैं, तीन तीन दफा ब्लॉक कर रहे हैं, फिर अनब्लॉक कर रहे हैं, फिर इनको उनसे भी मिल रहे हैं, हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये इंतहाई खराब आदमी है, बाकी लोग क्या है? जरा डॉक्टर साहब का वॉल्यूम देख लीजिए, आवाज देख लीजिए, मफल्ड हो रही है बहुत। आई फील एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जो चल रही है, वी आर वेरी कंफ्यूज, हमें नहीं पता कि हम मशरिकी हैं, मगरिबी हैं, हम वेस्ट से इंस्पायर्ड। अच्छा, वो सारी बातें छोड़ देंगे हम, लेट्स स्टिक टू द स्टोरी। और यहाँ पे सेल्फ वर्थ के भी इश्यूज नजर आ रहे हैं। वो छोड़ दीजिए सारे इश्यूज, मैं तो सिर्फ स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। मुझे ये बताइए अब आप क्या करेंगे, इस वक्त आप क्या करेंगे? आपकी बेगम है और आपने इनसे भी फरिया से भी मोहब्बत की है, कह रहे हैं आप मुझना एक मोहब्बत की, प्लीज वो माइक पे कुछ लगा हुआ जाएगी नहीं बात, और आपने इनसे भी मोहब्बत का वादा किया है। And there is Iram also. Iram ne bhi hume call kiya. Hold on. Yaar, please. Okay. I do not understand. How many friends do you have? Mujhe samajh mein nahi aata tumhari kitni dost hain. Let me tell you also, aapke liye bhi fariya ye shock hai. Humne Iram se kaha tha, Iram yahan aayi nahi hai. Iram is another one jinse inhone shaadi ka vaada kiya hai. Jinse inhone ye bataya hai ki meri biwi mujhse bahut naraaz rehti hai. Aur unko ye bataya gaya hai ki main aapse shaadi karna chahta hoon. Aapko alag ghar ke andar rakhunga. पूरी एक कॉन्वर्सेशन है और ये इरम से आप दोनों से पहले से मिल रहे हैं, ढाई साल हो गए हैं इनकी और इरम की रिलेशनशिप को। द क्वेश्चन इज, मेरा सवाल तुमसे, देखें मैंने ये क्यों कहा, आज ये प्रोग्राम क्यों रखा, उसका रखने का मकसद ये है कि फेसबुक पे जो फ्रेंडशिप्स होती हैं ये कहाँ तक चली जाती हैं, क्या किसी की ज़िंदगी इससे ख़राब हो सकती है? आप दोनों को अब ये बात पता है, पर या तुम अब भी शादी करना चाहती हो उनसे? इतने झूठे इंसान से तो मैं नहीं करूंगी, उन्होंने जो जिस तरह से मुझसे बातें करी थी, जिस मकसद से ही मुझे अपने घर लेके गए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया था कि ये शादीशुदा है, ये तो मुझे बाद में पता चला था, जिस वजह से मेरे बहुत मुझे बोलने दीजिए, मुझे अपनी वाइफ से मिलवाने से पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जब आपने सिर्फ मुझसे दोस्ती, तुमने कहा था मैं तुम्हें लाइक करती हूं, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूं, तो मतलब फ्रेंडशिप, बिल्कुल कहा था, जस्ट फ्रेंडशिप, मेरे बारे में क्या ख्याल है, एक सेकंड, तुम्हारा मामला डिफरेंट है यार, मैं तुम्हें नहीं देख रहा ना, उसके बाद फ्रेंड्स से शादी करके नहीं, फ्रेंड का नाम लेना तो अच्छा है, किसी से नहीं किया, फ्रेंड का नाम आपे शोभा नहीं देता है, ये बात को आप समझे। और अगर मैं इससे शादी, मैं क्यों इसको अपनी मैं से मिलवाता क्यों यार, शादी करने आया तो वाइफ से मिलवाता क्यों, मेरी अम्मी बहुत मनाया, मैंने कन्वर्सेशन दी, मनाया वैसे आप ज्यादा कर रहे हैं, मेरा पीछा किया काफी सारे, कहती है कि इन्होंने मुझे मनाया जब मुझे पता चला कि इनकी बीवी है, ये मानी क्यों, दिस इज कॉल्ड होम रैकिंग, इनको पसंद करती थी, दिस इज कॉल्ड होम रैकिंग, नहीं मैं इनको पसंद करती थी और मैं तैयार हो गई थी कि कोई मतलब कैसे आप शादी कर लूंगी, मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आप तैयार थी, उसकी बीवी तैयार थी कि नहीं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक माँ है जो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है और बेटा भी तैयार है, बीवी से पहले कोर्ट मैरिज की है और अब उस बीवी को छोड़ने के लिए भी तैयार है, दो बच्चे हैं, कहानी अगेन फेसबुक से शुरू हुई, छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। साइलेंस साइलेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा जरा आप लोग चुप हो जाएंगे तो आपको एक अजीब सी स्टोरी है जो हुई है। शहरोज की मुलाकात इनसे हुई, निदा, शहरोज और निदा की मुलाकात हुई फेसबुक पे। शहरोज निदा से 3 साल छोटे हैं, निदा को कन्विंस किया कि शादी करेंगे, निदा के घर वाले इस शादी के ख़िलाफ़ थे, उनके अपने रीजंस थे इस सिलसिले में, वो ख़िलाफ़ थे इस शादी के, और शहरोज के घर वाले उनको 1 साल तक इस शादी की खबर ही नहीं हुई। शहरोज के घर वालों में उनकी वालदा हैं, वालिद सऊदी अरब होते हैं, वो काम करते हैं, वालदा ने शहरोज को पाला है, शहरोज की 2 बहनें और हैं। शहरोज ने इनसे दोस्ती की,
फेसबुक पे। बच्चे हैं दो। आज इतने साल गुजरने के बाद शहरोज और उनकी वालदा को यह ख्याल आया है कि शहरोज की दूसरी शादी होनी चाहिए और शहरोज इस शादी के लिए तैयार हो गए। अब सवाल यह है कि यह ऊंट किस करवट बैठेगा। आइए सबसे पहले निदा से जानते हैं कि यह स्टोरी शुरू कैसे हुई और उसके बाद शहरोज की तरफ चलेंगे। निदा बताइए हुआ क्या था? अपने दोस्ती से स्टार्ट करते हैं। आप कहीं से भी शुरू कीजिए जहां से आपको लगे कि हम सुन सकते हैं। हमारी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी और हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे कहा कि हम लोग बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। फिर हमने देखा, फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। तो मैंने इनको यही बात बोला कि आप छोटे हो, मैं आपसे बड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है, उम्र का कोई वो नहीं होता, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर हमारी मुलाकात हुई, हम लोग मिलते रहे, फिर हमने शादी का डिसाइड किया। फिर इनकी अम्मी हमारे ख़िलाफ़ थी, मेरे घर वाले मेरे बहुत ख़िलाफ़ थे। मेरे घर वालों ने कहा अगर इससे शादी करूँगी तो हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिर भी हम दोनों को करनी थी। हमने यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि दोनों ने कोर्ट मैरिज की। जी बिल्कुल, हमने कोर्ट मैरिज की, दोनों खानदान राज़ी नहीं थे। फिर हम लोग सही नॉर्मल खुश रह रहे थे, माशाल्लाह से हमारे दो बच्चे हुए। फिर इनकी अम्मी से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लग गए। इन्होंने कहा कि हम अपनी अम्मी के पास वापस चलते हैं। फिर हम अपनी सास के पास वापस आ गए। सास को तो मैं पसंद शुरू से ही नहीं थी, वो ही छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना और ये वो, मेरे काम में नुक्स निकालना, मेरी हर चीज़ में नुक्स निकालना। शहरोज जब घर आते थे तो बस एक दिन भर की स्टोरी होती थी कि तुम्हारी बीवी ने ये किया, तुम्हारी बीवी ने यूँ किया, तुम और करो, तुम अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी और यूँ करो वूँ करो, अपनी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर ली, अपनी शक्ल देखो क्या से क्या होते जा रहे हो। मैं जितना भी इनको खुश रखने की कोशिश करती थी ये उतना ही मेरे अगेंस्ट होती जाती थी। अब इनकी भांजियाँ इनके घर आती थी, वो आके नए नए अंदाज में शहरोज को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी और ये होती थी। बिल आखिर आज शहरोज को लगता है कि मैं उनसे उनके लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं उनसे बड़ी हूँ, मैंने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। अब मैं उनके साथ सूट ही नहीं करती हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। जब वो चलते हैं तो उन्हें मेरे साथ चलते हुए शर्म महसूस होती है। शहरोज आपको ये ख्याल कब से आना स्टार्ट हो गया कि अब बड़ी हो गई, क्योंकि पहले तो छोटी थी जब आप बात कर रहे हैं? सर मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिकली मैंने इसको जब देखा था पहली मरतबा, इसका जो बिहेवियर था, इसकी जो बातें थी, इसका एक अलग से एक नेचर था, लेकिन शादी के बाद ये बिल्कुल ही चेंज हो गई। मतलब मैं इसको कुछ अगर आके घर में कुछ बोल रहा हूँ तो ये मुँह बना ले, ये प्यार से बात करना उसका ख़त्म हो गया था तकरीबन। तो यही चीज़ें जो है ना इंसान को बुरा बना देती हैं। अब इसकी नज़र में हर औरत चेंज होती है शादी के बाद, होना पड़ता है चेंज। लेकिन इतनी हमारे और सारे हस्बैंड का होता है जो पहले मोहब्बतें करते हैं और पींगे बढ़ाते हैं, वो तो बाद में सब चेंज होते हैं दोनों। अब मैं घर को देखूं या इनको देखूं, ज्यादा चेंज हुए? मैं उससे ज्यादा चेंज इसलिए हुआ क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से, उसका बिहेवियर ऐसे। मैं घर, आपको तो प्रपोजल शादी का आपकी वालदा ने दिया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मैं इसके अगेंस्ट था पहले लेकिन अब नहीं हूँ। उसका रीज़न, घर से इंसान मतलब एक सुकून चाहता है कि वो जब जॉब से आए तो वो घर में आके प्यार से बात करे, उसको सुकून मिले, उसको एक एक अच्छी फीलिंग्स आए घर में। अब जब क्या, वो घर क्या, पर आएगा, मैं प्यार से क्या बात करूँ? घर आते के साथ ही जब आप दूसरी शादी के इरादा फरमाएंगे, इनको भी रखेंगे या छोड़ देंगे? बिल्कुल रखूंगा ऐसे में। तो अभी दो में पिंग पोंग में ये हालत हो गई आपकी, तीन में आपका ट्रायंगल कौन सा गेम खेलने वाले? अभी तो दो में पिंग पोंग हो गया आप, कि घर से सुकून उड़ गया है आप। मैं एक बात, अभी एक तीसरी भी लाएंगे, तीसरी भी लाएंगे फिर क्या फुटबॉल खेलेंगे? सर मैं एक बात कहूंगा, बेसिकली अब तो मैं सब यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि ये फेसबुक वगैरह को छोड़ दें, इससे शादियां वादियां ना करें। उसकी वजह ये है कि जो पहले होता है इंसान उसके बाद वो नहीं रहता। आप पहले आप अपने दिल को बड़ा करें। देखो शादी के बाद हर औरत, अगर आप छोटी भी लाते तो वो शादी के बाद बड़ी हो जाती ऑटोमेटिक। बदलता कि वो इंसान जो है ना, मैं उसको बताऊं अच्छा है कि जगह बुरा लगने लगे। असल जड़ है वो ये है कि ये अलग रहती थी, इसको लेके बहुत खुश थी, अच्छी जिंदगी चल रही थी इनकी। मैंने घर पे, हर बूढ़ी माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू हो, एक ही बेटा है मेरा, दो बेटी है, जब वो शादी होकर चली जाएगी मैं किसके सहारे पे रहूंगी? पोता पोती
बहू इन्हीं लोगों के सहारे जीते ना, तो मैंने इनको लेकर आई, सभी ने लेकर आई इनको अपने घर। दोनों बच्चे अलग रह रहे थे तो वो खुश थे, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आए? और तो मैंने इनसे सिर्फ ये कहा कि इन्होंने मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि ये तो तुमसे बड़ी है। अब तुम बोलने दोगी? तुम्हारी सुनी ना मैंने, मेरी तो सुन लो आप। रो के मासूम बनने की कोशिश नहीं करो। मैं तो मासूम हूँ। नहीं, तुम मासूम नहीं हो। मम्मी, अभी सबके सामने बात आएगी। अभी सबके सामने बात आएगी। अब सुने ना मेरी बात, तो सुन ले। आप आराम से बात कीजिए। आप भी सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। इनको मैं घर लेकर आया, ठीक है? एक जैसे प्यार देते हैं बहू जैसा। अब इन्होंने रोज ये जलापे करना कि किसी तरह से यहाँ से वापस चले जाए, किसी तरह वापस चले जाए। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा तुम इसको लेके अलग रहो और खुश रहो अपनी जिंदगी में। लेकिन बचपन से मैंने अपने भतीजी को मांग दी, मांग के बस मेरी ख्वाहिश थी वो मेरे घर बहू बनकर आए, तो मेरी भतीजी। आप इस बात का तो इकरार करती हैं कि आपका बेटा ही था जिन्होंने आपकी मर्जी के खिलाफ फेसबुक पे प्यार रचा के शादी की, आपसे दूर हुए, फिर बड़े सालों के बाद आपके पास वापस आए? मैं खुद लेकर आई हूँ, वापस आए? मैं खुद लेकर आई हूँ, वापस खुद नहीं आए, मैं लेकर आई हूँ। अब इन्होंने रोज यही दंगा जमाए, तुड़पुड़ कोई ना कोई बात पे इशू नहीं। तो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। हल है कि दूसरी शादी का हल सिर्फ ये था कि ये अपने घर जाके दूसरा घर जो पहले रहती थी बाहर, हाँ। इस तरह खुश रहे और हाँ। मुझे बेटा तुम मेरी भतीजी को ब्याह के ले आओ, वो मेरे साथ रहेगी। आपके लिए ऐसे के साथ भी ज्यादती है? मेरे भाई तैयार है इस चीज के लिए। अच्छा, हमारे भाई तैयार है, ये खुद तैयार है कि ठीक है बात कीजिए। वो कह रही है उनके दो बच्चे हैं, इनका दो बच्चे हैं। मैं ऐसे कैसे थोड़ी रही, तुम्हें रहो, चार चार बीवियाँ रहती है, दो दो रहती है, दूसरी शादी करवा दे और मैं चार चार बीवियाँ रहती है के बगैर कैसे रहूं? जब तुम्हारा मियां को चाह रहे हैं दूसरी शादी करना और मुझे बहू चाहिए, या तो आप जिस तरह बहू घर में रहती है दूसरी शादी आपके कहने में करना चाहता है, आपने उसके कान भरे? नहीं, मैंने पहले कान नहीं भरे, पसंद थी उसे, तो पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ। जब काम पे से आ रहे हैं झगड़ा हो रहा है, जब काम पे से आ रहा है झगड़ा हो रहा है, आप कहती होंगी ना कुछ इन्हें, जब भी तो झगड़ा होता है डायरेक्ट अपने रूम में। मेरे बच्चों को ताने देती है, मेरे बच्चों को मेरे ताने देती है, देख तेरी बूढ़ी माँ तेरी बड़ी। क्या बात हुई थी आपकी घर में? मुझे एक बात बताए, ये दूसरी शादी कर लेंगे, आपको बहू चाहिए, अपनी चाहिए बहू चाहिए, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? लाजमी मेरे साथ रहे वो, और मैं भी तो अकेली हूँ ना, साथ रहे साथ रहे तो आप ही के साथ, तो ये साथ रहेगा ना इसके, ये साथ रहे, इनको रखे अपने घर में, मैं थोड़ी मना कर रही हूँ। एक हकीकत आप शायद भूल रही हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, उसके बाद आप बात कीजिएगा। अगर आपके हस्बैंड ये कहें कि वो सऊदी अरब में दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? लाजमी तो वैसे भी अकेली रह रही हूँ बच्चों के सहारे पे, तो आप और कर ही रखी होगी उन्होंने शादी, कर ही रखी, ये मर्द के फितरे थे। अच्छा, ये मर्द की फितरत है, कोई अकेले जिंदगी नहीं गुजारता। आप चाह रही हैं कि जिस तरह आपके बेटे ने बिना बाप के जिंदगी गुजारी, मेरे बच्चे भी बिना बाप की जिंदगी गुजारे, और आपके बाप के बिना बच्चे की उम्र तराश करे अल्लाह ताला, कल को आप भांजे की भी छुड़वा देंगे, इसके बच्चे इसकी सरपरस्ती में पले। अच्छा, बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, इनके वालिद साहब इनसे दूर थे, इनके पास वालिद की शफकत का वो टाइम नहीं था, इन्होंने एक अजीम धोखा आपको दिया, छुप के इन्होंने शादी की और उसके बाद यहाँ पहुँच गए। अब यही काम आप इनके औलाद के साथ करने जा रहे हैं। ये तो सामने वाला, इसमें धोखे की कोई बात ही नहीं है ना। अभी यही औलाद जब ये इनके दो बच्चों के साथ इनको अलग रखेंगे, भतीजी को अपने पास रखेंगे, बाप का वक्त उनको नहीं मिलेगा, ये कल बच्चे बड़े होंगे, बेटे को अपनी मेरी भतीजी एग्री है, आप घर आ जाएं, आप खाली भतीजी रखेंगे, दो दिन इधर आ जाएं, मुझे तो भतीजी का ख्याल आ रहा है, क्या उसकी कोई लाइफ नहीं होगी? अच्छा, एक टेलीफोन, एक टेलीफोन, एक टेलीफोन कॉल है, आप कैसे एग्री हैं? अच्छा, एक सेकंड, एक टेलीफोन कॉल है, एक टेलीफोन कॉल, अपना बदला मुझसे ले रही हैं, अरे मैं कोई बदला नहीं ले रही, अरे मैं आपके घर का फर्द नहीं हूँ, कॉल लेनी है मुझे, क्या समझ रही है मुझे, कॉल ले लूँ मैं प्लीज, खुदा का वास्ता, एक टेलीफोन कॉल है, हेलो सलाम अलैकुम, ये समझ रहे थे आप सऊदी अरब में? एक टेलीफोन कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ और अल्लाह का शुक्र है आप मेरी बात हो रही, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश नसीब हूँ। मैं हर वक्त ये कहूँगी आप माशाल्लाह बहुत प्रीति लग रहे हैं और इसी तरह आप सोते आते रहे, हमें इसी तरह इंटरटेनमेंट करते रहे। और मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बोले बोले बोले।
भाई मैंने ना Sahir looks so pretty, she's shy. Yeah. Oh, pretty shy. Thank you. Request to bataye apni. Request jo hai wo chuki hai. Acha, chhota sa ek break hai ya hum abhi continue kar rahe hain? Break nahi hai. Continue kar sakte hain? Continue kare. Ji. बताइए हाँ आप बताइए आप अब हमला कीजिए जी प्लीज नहीं मैं हमला कोई नहीं कर रही देखिए यहाँ मेरे साथ रहने की ख्वाहिश इसकी नहीं है ये अलग रहना चाहती है मेरी ख्वाहिश यही कि मेरी बहू चाहे मेरी भतीजी हो या ये हो मेरे साथ रहे मैंने किस दिन आपको बोला कि मैं अलग रहना चाहती हूँ अगर मुझे अलग होना होता वापस क्यों आती अगर मुझे अलग होना होता मैं इसे लेके वापस क्यों आती लेकर नहीं ये तुम्हें लेकर अपनी माँ के पास अगर मैं बोलती तुम्हें लेकर आपने उसको मेरे खिलाफ किया मर्द को सुकून चाहिए होता है उसके घर में तुम्हें कौन सा सुकून चाहिए दो बच्चे हो गए कौन सा सुकून मर्द को घर में सुकून चाहिए होता है कौन सा सुकून सुकून से मुराद में रहिए वो घर जब आता है पूरे दिन जॉब करके सारा दिन वो दिमाग खपा लेता है और जब वो घर आता है तो उसको सुकून चाहिए होता है ताकि वो कैसे मिलेगा चाहिए कोई मालिश करने वाली पहली बात तो ये हमको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस पे क्वेश्चन हो तो प्लीज मजा अपनी जगह है लेकिन हमारी कुछ अखलाकी कदरें हैं और वो हर जगह हमको जो अपनी माँ को छोड़ सकती है वो किसी की माँ के साथ क्या रहेगी वो खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा साइलेंस साइलेंस आप लोग एक बात है आपने ये कितनी बड़ी बात कही कि जो अपनी माँ को छोड़ सकती है इन्होंने भी तो अपनी माँ को छोड़ा था तो अब तो मिल लिए ना कि हम अभी तो मिल लिए ठीक है जो अपने दो बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी रचाने का सोच रहे तो आप सोच एक होता है कि लड़की शादी होकर जाती है माँ बाप को छोड़ के तुम तो लाताल्लुक हो गई हो क्या ला तालू की अपने इसके शोहर के खाते मेरे क्या ला तालू की आज तक नहीं मिलती तुम्हें मेरी नफरत डाल दी मिलती है उसके दिल में आपने मेरे लिए नफरत डाल दी मैंने कोई नहीं मेरे बच्चों को आप दिन रात सिखाती रहती हैं एक सेकंड आपने कोशिश की आपने खुद ही अज्यूम किया कि ये आपसे दूर होना चाहती है आपने कभी इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की लेकर क्यों आई हो फौरन ही दूसरी शादी पे पहुंचे दूसरी शादी जी लेकर आऊंगी उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद दूसरी शादी का इसको डराने के लिए कि शायद ये अभी भी सुधर जाए ना 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 आप गलत बात कर रही हैं भतीजी है ना इन्होंने कहा कि भतीजी अभी भी है भाई अभी भी इंतजार कर रही है क्योंकि इन्होंने आप डरा बताया शादी का इन्होंने खुद उसको बुलाया घर में दावत क्या हुआ मुलाकात भतीजी तो घर आई इसको इंप्रेस किया वो नया लड़की थोड़ी आई थी क्या करनी थी ये बोली है घर के बुला बुला के दावत दे दी हां तो आपने दावत नहीं दी आपने उसको बुला के मेरी भतीजी घर पे आएंगी आके इनके खिदमत नहीं की इनकी खिदमत करने के बाद दोबारा मिलेंगे पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता छोटा सा ब्रेक लेते हैं आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद क्या होगा आई स्वर मुझे नहीं पता लेकिन ये कॉन्वर्सेशंस इतनी हीट अप हो जाती हैं अनबिलीवेबल आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद बहुत बहुत शुक्रिया जी अब सिलसिला क्या है अब आप क्या करना चाहते हैं ये मुझे प्लीज बता दीजिए शहरोज आपसे मेरा सवाल है क्या करना चाहते हैं आप सर मैं तो दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे जो है ना सुकून चाहिए ये झगड़ों से मैं तंग हो गया मुझे तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या सुकून चाहिए सर अगर इंसान मर्द जो है पूरा दिन बाहर रहता अच्छा आपको एक बात का पता है ना देखिए मैं दूसरी शादी के खिलाफ नहीं हूँ मगर आपको ये बात तो पता है ना कि इन्होंने अपना पूरा घर छोड़ा है ये अपने घर वालों से मिलती नहीं है आपकी वालदा ने जिस बात का जिक्र किया कि इन्होंने अपने घर वालों से वफा नहीं की क्या आपने कभी इनकी मजबूरी को सोचा है सर मैंने कितनी बार इसको कितने चांसेस दिए हैं कि यार तुम थोड़ा सा सही हो जाओ थोड़ा सा फील करो कि यार ये हमारा घर है इसको जो है यार करे जिसका मतलब है सही हो जाए अगर आप इजाजत दें एक चीज यार प्लीज अपने ना ऐसे जुमलों से परहेज कीजिए आप कि आपने चांसेस दिए
ऐसे जुमलों से परहेज कीजिए। अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला चांसेस दे सकता है, दुनिया के अंदर किसी किसी में कोई ऐसी इस्तेआत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। परहेज कीजिए। आपकी एक मिनट आपकी बेटी है? जी बिल्कुल है सर, एक बेटी एक बेटा। आप अपनी बेटी के होते हुए यही बात कह रहे हैं कि आपने चांसेस दिए? सर उनको भी तरबियत मैं ही दूंगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं इनके अब्बा ने क्या तरबियत दोगे? एक माँ को, उसकी माँ को छोड़कर दूसरी औरत उस पर लाओगे, ये तरबियत दोगे? ये छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं की तुमसे। ये अपने बेटे को सिखाओगे जिस औरत ने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप छोड़े, उसे अपने घर में लाके अपनी माँ से ताने दिलवाओ कि तू अपने माँ बाप को छोड़कर आई, जो अपने माँ बाप की ना हुई तो वो मेरे बेटे की क्या होगी? कहिए, बच्चों को दिन रात यही पट्टियां पढ़ाती रहती है, बेटा तेरी माँ तो अपने घर अपना घर छोड़कर आई थी, अपने माँ बाप छोड़कर आई थी, तुम्हें भी ऐसा ही पालेगी, मैं तुम्हारे लिए अब नई माँ लेकर आऊंगी जो तुम्हें अच्छी तरबियत देगी। तो क्या शर्त है कि वो औरत तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें वो सुकून दे सकेगी जो सुकून का तुम्हें पता ही नहीं है लेकिन तुम चाहते हो? सर ये इसका लो लेवल है, मतलब ये यहाँ पर जो है ये इसका यूं होती है घर पे, मतलब इसका आपका बिहेवियर। जब एक औरत को सुबह शाम ताने दिए जाएंगे ना और उसका मियां चुप करके माझी माझी जी माझी जी माझी करेगा ना, तो उस औरत का पावा यूं ही होगा, यूं नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता चल गया जिंदगी खत्म करी है, समझ में आई? तुम्हें आज मैं बड़ी लगती हूँ तो वो भी तुम्हारी खिदमत करते करते तुम्हारे बच्चों को अच्छी लग रही है, कल जब उसके भी दो बच्चे हो जाएंगे ना तो वो भी तुम्हें बुरी लगने लग जाएगी। आराम से बात करो। क्यों आराम से बात करो? इस तरीके से बात करते हैं? मैं तो हूँ ही बदतमीज, अभी क्या बोला तुमने? ये पता है कि शोहर से किस तरह बात करते हैं? और तुम्हें इस तरीके से बात करते इनकी ये खुशफहमी मैं दूर कर दूं, आपकी खुशफहमी मैं थोड़ी दूर कर दूं। 1964 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक आईली कानून बना था, सही था या गलत था मैं बात नहीं कह रहा हूँ, वो एक ऑर्डिनेंस था। उस ऑर्डिनेंस के तहत पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो ये काबिल सज़ा होगी। ये अब तक मजाक था, पिछले एक साल तक 6 महीने तक मजाक था, 5,000 रुपये टोटल जुर्माना था, वो भी कोई जो है वो आराम से दे के बच जाता था। अभी लास्ट दो सजाएं मैं आपको कोट कर देता हूं, मेरे पेज पे लगी हुई है, दो सजाएं हुई हैं, कोर्ट ने उनको सजा के ऊपर 1 साल जेल में भेज दिया है अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर आपने दूसरी शादी की और ये गई तो इससे होगा क्या? इससे और खतरनाक। हाँ तो ये वहां जाएगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इससे एक बहुत खतरनाक बात हुई है। हमारे तो जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं, अल्लाह ताला, यही बात मैं इन्फॉर्मेशन की जो बात कर रहा था, अब इसका एक पहलू देखिएगा, यही एक जो बात है, वो कहता है जी मैंने सजा नहीं काटनी, मैंने तलाक दे देनी, यही होगा, अंडरस्टूड, ये होगा। हम कौन सा कानून बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं, कौन से 50 लोग हैं जो बैठ के ये कानून डिवाइस करते हैं? सही बात, लूपहोल की बात ही नहीं है ये, आप एक रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है मैं साल की सजा नहीं काटूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा, गो, पूरा का पूरा खानदान तबाह हो गया। दो साहिर कानून में लूपहोल हुआ ना? बात कानून की लूपहोल की नहीं है, बात ये कि हमारे जो अकाबरीन बैठते हैं, हमारे जो लोग बैठते हैं, मुझे तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि हम एक्चुअली किस सतह पे आके डिसीजंस लेते हैं अपने मुल्क के बारे में, अपनी कौम के बारे में, वो कौन से कवानीन है जो हम बनाते हैं। लूपहोल तो दुनिया के हर कानून में होता है। मैं आपको ये जो आपने बात की है, ऐसी 5-7 मिसालें मैं भी जानता हूं जहां डिवोर्स दे दी गई है इसी बात की वजह से। अच्छा ये देखो, ये मेरे जहन में बात नहीं आई। क्या मतलब आती है? तो पहली बात एक मर्द के जहन में पहली बात क्या आती है? एक मर्द के जहन में इनको एक रास्ता चाहिए। See, I didn't think of that. Hold on one second. इनको एक रास्ता चाहिए, इनको एक रास्ता, इनसे पूछिए क्या करेंगे? तो वो बचने के लिए, आप क्या करेंगे बचने के लिए? अब बात समझ में आ रही, बट अगर ये बीवी इजाजत नहीं देती है, आपने औरत को हैंडीकैप कर दिया। अगर ये इजाजत नहीं देती है तो क्या होगा? इसको सफर करना, उसने पहले ही बोल दिया है, उसने पहले ही बोल दिया है कि अगर ऐसा आप करेंगे, कहने को ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रूल या लॉ बनाई गई। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है? वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है? जब आप इन बच्चियों को स्कूल भेजें, जब आप इनको पढ़ने के लिए वज़ाइफ दें, जब आप इनको मर्दों के शाना बशाना खड़ा करें और मसावी हुकूक दें, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। लेकिन जब आप एक औरत से ये हक भी छीन लें कि एक मर्द उसे 3 मर्तबा तलाक 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 कह के फारिग कर दे, तो फिर उसके पास चॉइस क्या रह जाती है? बिल्कुल। और
अब उसके लिए मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि बैठ के एक राह तलाश करनी चाहिए। देखिए, दूसरी शादी के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि ये इस्लाम में है और जो शख्स भी इसके खिलाफ बात करता है वो गलत बात करता है, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो स्टेट के कवानीन हैं उनको बनाना चाहिए। बिल्कुल, स्टेट के कवानीन उन लोगों के हवाले नहीं करने चाहिए जिनकी अपनी कोई नॉलेज 10 जमात पास है और वो बैठ के आपके स्टेट लॉज पास कर रहे हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई, और हम उस दौड़ में कहीं बहुत पीछे रह गए। हमारे ये आपने जुमला जो अदा किया है, फरमाया जो आपने, मैं आपसे भी पूछता हूँ, ये किस बुनियाद पे आपने जुमला अदा किया कि मैंने इन्हें चांसेस दिए? सर बेटा, अल्लाह ताला से डरिए। देखिए, मैं तुम चुप रहो, आज सब कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। ये आप लोग जो बैठ के तालियां बजा रहे हैं स्टोरी सुन के, मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ इस बात को कि अगर आपका कोई भाई या आपका कोई बेटा इस तरह बाहर जाके शादी करके और रंग रलियां मनाए और उसकी माँ घर में बैठी हुई उसका इंतजार करे, आप लोग ऐसी तालियां बजाएंगे? शादी कर बताइए ना, ताली वैसे बजाएंगे? जो इसके तेवर देख रहे हैं आप लोग, ये किस लिए तेवर दिखा रही है? इसलिए कि ये शेरनी बन के पहले भी इसको दबाती रही और ये घर के बाहर रही, बहुत खुश थी ये अपनी माँ के पास घर में लेकर। आज भी मैं साहिल यही चाहती हूँ कि ये मेरे घर में रहे, खुश रहे, हमें घर समझे, हमारे साथ रहे, मैं शादी नहीं करूँगी। अगर ये आपके साथ उस तरह से रहें जी, मैं नहीं करूंगी इसकी शादी, बाखुदा नहीं करूंगी। जो भतीजी रेडी है कई वो बैठी रहे इंतजार कर रही है, आंटी उनको आपने तैयार कर दिया ना शादी के लिए, क्या होगा? वो रिवर्स कैसे जाएंगे? मर्द है, पहले हम तैयार करेंगे, फिर हम रिवर्स गियर लगाएंगे, फिर हम अच्छा यार ये मान ली, जब ये घर में रहेगी तो वो नहीं आएगी, जब ये घर छोड़ के जाएगी तो लाजमी है तो मुझे तो लाना है। एक सेकंड, मैं माधुरी के साथ, एक सेकंड मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने औरत को क्या कमोडिटी समझा हुआ है? बहुत अदब के साथ मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आपने उस एक दूसरी बच्ची की जिंदगी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, ही नहीं ना? वो आपके डिस्क्रेशन पे है कि आप कहेंगी तो वो शादी करेगी, आप नहीं कहेंगी तो वो शादी नहीं करेगी। दो बच्चे लेकर आप यही सोच रही है ना कि बेटे की शादी हो जाएगी, इसे सबर आ जाएगी, बच्चे की टोली बदला ले रही है कि आपने अकेले जिंदगी गुजारी तो हर लड़की इस तरह बिखरी रहे। साहिर, इनकी सिचुएशन में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं। सबसे पहले तो माँ बाप जो हैं हमारे, उनको इतना ज़्यादा कंफर्ट देना चाहिए अपनी औलाद को कि इस तरह छुप छुप के वो डिसीजंस ना लें। अगर शायद आप अपने बेटे के साथ इतनी कंफर्टेबल होती और आप पहले उसको इतना समझती जितना आप आज उसको समझ रही हैं, जितना आप आज अंडरस्टैंडिंग बताएं, शायद वो आपको छुप के ये वाला डिसीजन नहीं लेता। दूसरी बात, जो मर्द की बात है कि मैंने चांस दिया या ये वो, और आप कह रहे हैं कि तलाक दे देते हैं, सज़ा नहीं चाहिए, तलाक अल्लाह ताला की सबसे नापसंदीदा चीज़ है, सबसे नापसंदीदा चीज़, और उसके भी ग्राउंड्स हैं कि वो कब देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए। दूसरी शादी के भी ग्राउंड्स हैं, दूसरी शादी आप किस बिना पे करना चाहते हैं? अगेन बात ये, पूरे अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ तमाम लोगों के, हमने हर चीज़ को अपनी कन्वीनियंस बना लिया, जो हमें सूट करती है हम वही चीज़। तो फिर इस्लाम को बीच में ना लाए ना कि इस्लाम में तलाक है। पहली बात तो हमें मजहब पे गुफ्तगू नहीं करनी, पहली बात हम इस काबिल नहीं, मैं तो कम से कम अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, और अगर कोई और शख्स ये दावा करता है तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ इस वक्त इस पे बात करने के लिए फिर किसी मुफ्ती साहब का होना जरूरी है। बिल्कुल सही, मैं समझता हूँ मैं उसकी तरफ जाता ही नहीं जो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, और जो मेरे मजहब में लिखा गया है, जो कहा गया है, मैं उसको वैसे ही सच मानता हूँ। ये मेरे मजहब का हिस्सा, मेरे ईमान का हिस्सा, इसे दुनिया की कोई चीज़ गलत नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात अब हम बात करते हैं हमारे जो सोशल बिहेवियर्स हैं। मुझे जो आप दोनों से इख्तलाफ है वो सिर्फ एक बात का इख्तलाफ है कि देखिए, दूसरी शादी गलत नहीं है, ये तरीक़ेकार गलत है। मतलब ये छुप के शादी कर लेते तो तरीक़ेकार सही था, जैसा कि हो रहा है आजकल। नहीं, मेरी बात, एक घर में बीवी बैठी हुई होती है और फेसबुक के ऊपर दोस्त बना करके शादी कर लेते हैं, बाद में पता चलते हैं दूसरी गलती की तरफ क्यों जा रहे हैं। मुझे पता है मैं कहां गलत हूं, इसके भी नोटिस में और उसके भी नोटिस में। आप एक बात, वो भी जानबूझ के इकरार कर रही है, इसको भी हम मालूम कर रहे हैं इस बात की, और ये बोल रही है कि आपने अपनी जिंदगी का एक सेकंड बेटा, आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने मियाँ के बगैर गुजारा। नहीं, आते आपने यहाँ तक कहा है हमसे ऑन एयर
कि वो 13 साल से सऊदी अरब में, उन्होंने दूसरी कर रखी होगी और आपने इस बात को एक्सेप्ट कर दिया। फिर आपका बेटा आपसे फितरत है, आपके आपका बेटा भी आपसे कुछ अरसे तक दूर रहा, ऐसा जब किसी के साथ शादी की जिस तरह आते जाते ठीक है, ठीक है, नहीं वो इसके बाद वो इसने उसके बाद आपके दो थोड़ी सी उम्र की बड़ी थी, इसलिए आप शायद आप तैयार नहीं होती। वो जो इन्होंने बात की ना कि ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ऐसा कंफर्ट लेवल देना चाहिए कि आपको वो बता देता। इस तरह जब हम दोनों अच्छी लाइफ जा रहे थे, हमने मना किया, समझाते कि कोई भी दीदा दानिशा देखे तो दूध में मक्खी कोई भी नहीं पिएगा। जब इन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया, मैं लेकर आई इनको, मुझे भी तो खानदान में रख रखाव रखना है, तो रहो ना खानदान की तरह घर में बन के। आप लेकर आई, अच्छा क्या आपको और कौन लेकर आया घर में? एक सेकंड, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी जबान की थोड़ी सी तेज है जिसकी वजह से इनको तकलीफ होती है? हाँ, आप तेज नहीं हूँ। जब ये मेरे बच्चों को बिठा के मुझे ताने देती हूँ उनके सामने, कहेंगे तुम्हारी माँ ने ये किया, बच्चे में क्या ताने दूंगी? देती है ताने आपके सामने दिया तो ये बच्चों को नहीं मुझे कह रही है। पहले तो हिस्ट्री उनको मुझे तुम्हारी पता चलेगी दोनों माँ बाप की, जितना तुम्हारे माँ बाप ने शादी कैसे की है, मैं जितना बना सकती थी मैंने इनके साथ बनाया। सिखाऊंगी उनको तो हिस्ट्री पहले ही पता चलेगी। क्या पता चलेगी? कोर्ट मैरिज की है। मुझे ये बात पता चलेगी कोर्ट मैरिज की है, क्योंकि दर्द का एहसास क्यों नहीं है? जब औरतें औरतों को सपोर्ट नहीं करेंगी तो मर्द औरतों को कैसे सपोर्ट करेंगे? जब तक इनके चांस दिया आपने, बहुत सारे मौके दिए। मैं उन सब मर्दों को कहना चाहती हूँ कि औरतों की बहुत सारी आजमाइशें हैं, जब वो शादी करती हैं वो अपना घर छोड़ के जाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, उनको पालती हैं, लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने तलाक का हक दिया ये मेरी नज़र में मर्द की आजमाइश है। नहीं ना तो वो मुंह पे लेकर आ रहा है ना मैं, इसने मुझे छोड़ देना मैंने जब शादी करो, मैंने जब बोलती हां कि जब वो शादी करेगा। मैं एक मिनट, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। हमें जो भी कदम उठाना चाहिए वो अल्लाह ताला के खौफ को मद्देनजर रखते हुए उठाना चाहिए। और मैं एक्चुअली अभी तक उस जुमले के शहर से निकला नहीं। आप कोई भी नहीं होते सजा या चांस देने वाले, कोई भी नहीं होते। मैं समझ गया था बेटा आपका मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप खुद भी ये अल्लाह ताला को पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। मेरी एक बेटी और आई थिंक मैंने हमेशा ख्वातीन की बहुत इज्जत की है, उससे पहले भी और नहीं और उसके बाद। अब तो ये आलम है कि मैं हर लम्हा हर रोज़ उसको थोड़ा सा बड़ा देखता हूँ। बेटा आप इनके फादर से नहीं मिले, नहीं आप इनकी वालदा से नहीं मिले, नहीं। कभी मिल के देखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूर आदमी बेटी का बाप होता है, वो चाहे कितना ही कड़ा जवान क्यों ना हो, सही बात। उसके कंधे हमेशा झुक। मैं दुनिया में सब कुछ सह सकता हूँ, अपनी बेटी की आंखों से एक आंसू बहते हुए नहीं देख सकता। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। एक बड़ी हैरत अंगेज कहानी है, कहानी है। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए। सलामकुम, सलामकुम। क्या नाम है सर आपका? जैन काजमी। जैन साहब के लिए बहुत सारी तालियां जी। जैन, एक मिनट, जैन काजमी साहब यहाँ आ जाइए, यहाँ इधर ऐसे बैठ जाइए। आपका नाम क्या है मैम? सिद्रा। ऑलराइट, सिद्रा एंड जैन काजमी साहब की कहानी है। जैन काजमी साहब ने सिद्रा को फेसबुक पे देखा और जॉब की ऑफर की, अपनी ही कंपनी में जॉब की ऑफर की। जब सिद्रा को जॉब मिल गई तो सिद्रा के इश्क में मुब्तला हो गए, अपनी ही कंपनी में काम करते थे साथ, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन काजमी साहब बेगमात के मामले में बड़े खुदकफील आदमी। जुम्मा बाजार लगाया बता। मैं क्या कहूँ, आइए इनसे सुनते हैं, सिद्रा से। जी सिद्रा, बताइए अपनी कहानी क्या है। जी सर भाई, 2 साल हो गए मैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा, 2 साल हो गए मैं इनके ऑफिस में जॉब करती हूँ एज अ एम्प्लॉय।
तो दो सालों में मैंने जो है इनको बहुत अच्छा पाया, यानी कि मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। यानी कि मेरा भाई नहीं है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। तो जी मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, इसी वजह से मैं जॉब कर रही हूँ। माइक नहीं बेटा आपके पास, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, तो अब तक के लिए रिकैप ये है कि आप दो साल से उनके पास काम कर रही हैं और बहुत अच्छा पाया उनको, और आप एक मतलब गरीब फैमिली से, नॉट सो वेल टू डू फैमिली से आप ताल्लुक रखती हैं और आप अपने माँ बाप को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, ओके। तो ये मुझसे प्यार करते हैं, बकौल इनके कि ये मुझसे प्यार करते हैं और मैं इनको अच्छी लगती हूँ। अच्छा। तो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब मैं भी यही चाहती हूँ, घर वालों का सोचती हूँ कब तक, आखिर मैं भी कब तक जॉब करती रहूँगी और कब तक करूँगी। इतने साल हो गए जॉब कर रही हूँ, मैं घर वालों को संभाल रही हूँ, कोई बड़ा भाई तो है नहीं जिसका सहारा हो। तो मैं चाहती हूँ अगर मेरी इनके साथ शादी हो गई तो घर भी मिल जाएगा। शादी करने से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये आपका भी ख्याल रखते हैं, आपके माँ बाप का भी। मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं शादी इनके साथ करूँगी तो मेरे मम्मा पापा भी जो हैं वो भी खुश रहेंगे, उनको एक घर भी मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था शादी करूँगा तो एक घर भी दिलाऊँगा। और हमारा अपना घर भी नहीं है साहिर भाई, तो रेंट का है और कब तक मैं कमाऊँगी, रेंट दूँगी। अगर मेरी इनके साथ शादी हो जाती है तो यह है कि माँ बाप का सहारा भी बन सकते हैं। आपको आपको ये पता है कि ये इनकी और बेगम हैं, ये तो पता है ना आपको, इनकी बेगम मौजूद है। आपको ये पता है कि इनकी एक बेगम मौजूद है। जी साहिर भाई, असल में सिदरा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी, एक ही बेगम है आपकी? जी साहिर भाई, एक ही बेगम जी। उसके बाद इंशाल्लाह इनसे शादी हो रही है, उसके बाद इंशाल्लाह इनसे हो जाएगी जी। ये आप नेशनल टीवी पे कह रहे हैं कि आपकी एक बेगम? जी बिल्कुल, नेशनल टीवी पे कह रहे हैं जी, बिल्कुल। आपकी आपकी बेगम का नाम क्या है, जो आपकी बेगम है उनका नाम क्या है? सिदरा नाम। सिदरा तो ये है, उनका नाम भी सिदरा है? जी जी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा, सिदरा नाम है। अच्छा, सिदरा का स्क्वायर बन जाए। अच्छा चले चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सिदरा सिदरा, आपने मुझे नेशनल टीवी पे कहा है कि आपकी, मैं कह रहा हूँ आप बेगमात के मामले में खुद कफील हैं, आपने कहा है कि आपकी इनके अलावा एक बेगम है और दूसरी बेगम ये होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह तो जब आप शादी कर लेंगे तो आप दो सिदराओं से शादी करेंगे? हमने सोच लिया है कि मैं इनसे इनको प्यार से जो है ना वो गुल बुला गुल बुलाएंगे प्यार जी। अच्छा, तो ये जो हमारे पास खातून है, जरा इनको बुलाएं, इनको प्यार से क्या बुलाते हैं ये? आए जरा, आए जी, आए जी, आए आए, प्लीज आ जाइए। ये तो सिदरा नहीं है, शायद आप इनको जानते हो। आइए आइए प्लीज तशरीफ रखिए। इनको भी आप गुली बुलाते हैं? एक मिनट, मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सबसे पहले तो जी, आपका नाम तो सिदरा नहीं है? मेरा नाम सिदरा ही है। व्हाट, आपका भी नाम सिदरा है? जी। तो आप इनको प्यार से क्या बुलाते हैं? ये है कौन पहले ये तो बताइए। हाँ, आप इनको जानती हैं? कौन है ये जी? कौन है? He's my husband. Wow. अच्छा, ये वो वाली सिदरा तो नहीं है ना जिनके बारे में आप कह रहे थे? नहीं जी, इत्तेफाक की बात है कि सिदरा नाम है। तुम क्या सिदराएं ढूंढ के उनसे शादी करते हो यार? This is so weird. अच्छा सिदरा क्यूब सर, सिदरा क्यूब। नहीं, किसी ने इनको बोला था कि जितनी ज्यादा सिदराएं तुम्हारी जिंदगी में आएंगी उतनी ज्यादा तुम तरक्की करोगे। नहीं, नहीं, वो पकड़े भी नहीं चाहते ना, बहुत सारी चीजें होंगी उसी नाम से। तीसरी सिदराएं, तो ये इनकी तीसरी बेगम, मतलब ये इनकी दूसरी बेगम है, ये इनकी होने वाली तीसरी बेगम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक मुझे एक पता है अपना और ये सेकंड पता है। नहीं 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 नहीं, आपसे पहले एक है और अभी तो आपको और आपको नहीं पता, इनकी एक्चुअली चार बेगमात है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली चार, और इनकी जो चौथी बेगम है, चौथी बेगम है आयशा नाम है उनका, चौथी बेगम जो है उनका नाम आयशा है। और उनकी, अब आप कहिए कि आप आयशा को नहीं जानते, आप कहिए, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप आयशा को नहीं जानते, मैं कॉल मिलवाता हूँ, आप कहिए कि आप आयशा को नहीं जानते। नहीं नहीं, आप ऐसा मत समझिएगा, ये कुछ और है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये पांचवी होंगी, इसका मतलब है अगर ये चौथी होंगी। अच्छा, चौथी होंगी, पहली सिदरा, दूसरी सिदरा, तीसरी आयशा, चौथी सिदरा, चौथी सिदरा ये वाली। ये गुल है, ये गुल वो तो आप कह रहे हैं ना, आपने सोचा है गुले गुलजार करने का उन्हें? यार मुझे तो ये कुछ दबाव का शिकार लग रहा है, देखे कोई और तो नहीं है ये आपके हाथ में भी लगता है उन्होंने मारा है
किस दबाव के शिकार हैं, मोहब्बत के प्यासे हैं ये। तुम लोग आइडिया मत लेना किसी भी से जाके। अच्छा सब फेसबुक वाले ज्यादा कहा नहीं है? जी जी, ऑल ऑफ देम सिवाय पहली शादी के। इनकी बाकी शादी जो सिदरा से हुई है और आयशा से हुई है वो इनकी इनसे भी फेसबुक के थ्रू शादी हुई है। क्या? जो पहली बेगम की शादी हुई सिर्फ वो खानदान की थी, उसके बाद इनसे भी फेसबुक के थ्रू शादी हुई है, आयशा से भी फेसबुक के थ्रू शादी हुई है, और इनको जो जॉब की ऑफर मिली है वो भी फेसबुक के थ्रू मिली। तो नाम चेंज करें facebooking.com। ये लग तो यही रहा है बुकिंग हो रही है। और एक बात और, मैं आपको मिलवाऊंगा मैं आयशा की कॉल से। अच्छा, आयशा यहाँ पर आ नहीं सकी हैं, इन्हें पता है कि आयशा कहाँ हैं। आयशा बहावलपुर में हैं इस वक्त। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आयशा से कॉल ले लूँ, बिकॉज आयशा ने छोटा सा एक ब्रेक है, आप जाइएगा नहीं कहीं ब्रेक के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहिए, आयशा की कॉल से आपकी मुलाकात मैं करवाऊँगा, आप इंतज़ार कीजिएगा। आयशा, आप आयशा को तो नहीं जानते ना सर? प्लीज़ मेरा ये टीवी पे मजाक मत उड़ाइएगा, मैं बिजनेस भी करता हूँ। और किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? ये थोड़ा ज़्यादा यूँ तो ये तो मजाक की बात लग रही है, लेकिन बहुत संजीदा बात है। आयशा खुद भी शायद बात करना चाहेंगी, इस वक्त देख रही हैं वो। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आयशा की कॉल लेते हैं। ये बहू ढूंढ रही है। थैंक यू। आयशा की कॉल लेते हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम। आयशा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयशा वालेकुम अस्सलाम साल भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, बहुत हल्की आ रही है। अच्छा हल्की आ रही है, जोर से बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम साहिल भाई, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये जो आप टेलीविजन देख रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जैन अली साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, जैन काजमी साहब, मुझे बताइए आप इन्हें जानती हैं? जी बिल्कुल जानती हैं, मैं जैन से बात करना चाहूंगी साहिल भाई। जी जरा जैन बात कीजिए आयशा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जैन काजमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या आप मुझे पहचानते हैं? आप फेसबुक से? हेलो, हमारी तबीयत ठीक है जैन? तुमने बोला कि तुम्हारी एक बीवी है, सही है? कौन बीवी, कितनी बीवियां हैं तुम्हारी? सिदरा, आयशा को भूल गए तुम? मुझे भूल गए जैन? थोड़ी सी जरा वॉल्यूम तेज कर दीजिए इनका। जी आप बताइए, आप जवाब तो दीजिए, क्यों चुप हो गए आप? पहचानेंगे तो जवाब देंगे ना, अभी तो पहचान रहे हैं। इनको प्रपोज किया है, बस ये चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए, बस इनसे बड़ा परेशान। मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ जैन, अपनी याददाश्त जो तुम्हारी गई हुई है ना उसे वापस ले। अगर मैं वहाँ होती ना तो तुम्हारी याददाश्त अच्छी तरीके से वापस ला सकती थी मैं। मैं वहाँ पर आ गई ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन और तुम कौन। आयशा कौन है बताओ इन तीनों को, कि आयशा कौन है, वो सिदरा कौन है जो आई नहीं है? ये कह रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन हो गई है। सर मेरे 400-400 लाइक होते हैं वो फेसबुक पे, लाइक 500-500 भी हो जाते हैं। लेकिन आपको ये पता है फेसबुक पे जो लाइक्स होते हैं उनसे हर एक लाइक से शादी नहीं करते, यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा एक मिनट, बहुत सीरियस, आई एम सॉरी। मुझे आयशा आप क्या कहना चाहती हैं अपने हस्बैंड को? मैं तो बस इनको ये बोलना चाहती हूँ कि सुधर जाओ, ये जो तुम हरकतें करते फिर हो ना, जब तुम मेरे सामने आओगे ना जैन तो सोचना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। वो तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, चार चार बच्चे, सही है, उनको बता देना ये तीनों सिदराएं कौन है। तुम्हारा उनका बाप क्या कर रहा है मैं उनको क्या बताऊं कि वहां तीन तीन सिदराओं के साथ, उसे यही पता ही नहीं है कि आयशा कौन है, उसे ये नहीं पता उसके चार बच्चे भी हैं। आप मतलब ये शौक, मैं तुम्हारी आवाज कहां गई? मुझे या तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही या तुम मेरे ख्याल से कुछ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हो।
मेमोरी लॉस। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे? अरे नो प्लीज आप प्लीज करें, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही। सॉरी। अच्छा प्लीज प्लीज नो 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 ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। साइलेंस। नो 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 नो, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं। प्लीज डू नॉट डू दैट, प्लीज डू नॉट डू दैट, एंड यू प्लीज ऑल्सो। नो ऐसा नहीं, आप बैठिए ऐसा नहीं, हम जो बात करेंगे बात करेंगे, ये कोई दिस इज नॉट। जी बताइए बोलिए। आयशा जी, आप कितने अरसे से बहावलपुर में हैं? मैं तकरीबन 10 साल से। 10 साल से आप बहावलपुर में हैं, आपके 4 बच्चे और आपको तीनों सिदराओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपका मियां कहाँ है, क्या करता है, कुछ भी नहीं पता। और इस वक्त जिस तरह उन्होंने कंफ्यूज्ड और I don't know who to blame, the girl, social pressures, responsibility, नहीं, मेरा सवाल है, मेरा मुझे तो समझ नहीं आया कि यहाँ पे सवाल भी क्या पूछना चाहिए। मेरे साथ तो ये हमेशा होते थे, डेली मेरे साथ होते थे। बस ये है कि फोन पे लगे होते थे, मैं हमेशा फोन के ऊपर बहुत लड़ाई करती थी कि आप हर वक्त फोन पे क्यों लगे रहते हैं, ये क्या मसला है आपका, मैं तंग आ गई हूँ लड़कियों से आपकी। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं पता था कि ऑलरेडी 3 और है फोन पे। मैं लड़कियों के साथ तो नहीं ना लगा रहता, मेरे सामने यही होता था कि मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो पहले इनको भी नहीं पहचानते थे। आयशा आपकी तुम तो मुझे भी नहीं पहचान रहे, तुम तो तुम्हें ये पता नहीं, तुमने 10 साल से मुझे वहाँ पर बिठा के इस आश्रय पे रखा हुआ है कि मैं यहाँ पर सेटअप बना लूँ, मैं अपना बिजनेस सेट कर लूँ, घर बना लूँ। तो आयशा मैं तुम्हें बुलाता हूँ, बच्चों को बुलाता हूँ, तुम्हें बच्चों की फिक्र है? तुम तो भूल ही गए, पैसे तो भेज रहा हूँ ना मैं। मुझे पहाड़ी से गिरे हो तो वही यादा चली गई, और तुम्हें कुछ याद है? बस किधर सबको किधर बोल रहे हो, कुछ दिमागी तवाजुन खराब हो गया शायद तुम्हारा। आप क्या कह रही थी? खैर भाई, सबको यही आश्रय देते हैं पैसों के, घर दिला दूंगा, ये कर दूंगा वो। उनकी वाइफ को भी यही बोला है ना इन्होंने कि बच्चों को बिठा दूंगा घर में, ये कर। मुझे भी यही आश्रय देते हैं। दिखाए नहीं है मैंने अभी, चार किसके हैं साहिर भाई? आप देखिए, चार घर किसके हैं? भागी हुई है ना, ये खुद ड्रामेबाजियां करते हैं और लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा करते हैं। आप लोगों की गलती है, सब ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। इनके साहिर भाई पूछे तो सही, जो बिजनेस जमा के बैठे हैं, किसके पैसों पे जमा के बैठे हैं, जरा ये तो पूछे। ये जो 3-3 बीवियों से वादा करके बैठे हुए, और ये जो बिजनेस है, ये पैसा ही किसका है? ये मेरे बाप का दिया हुआ है, मेरे बाप ने जहेज में दिया था। जिस घर में मैं आज रह रही हूँ वो मेरे बाप का दिया हुआ है। जब ये बेफिक्र हो गए, इनसे पूछे तो सही, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे, बड़े इज्जतदार बन रहे, जरा पूछे तो सही इनसे कि किस बिना पे इन 3-3 औरतों से शादी करेंगे, बताए ना जैन, बोले जवाब दे। नहीं, एक मिनट आयशा, एक मिनट आयशा, एक्चुअली 2 से ये शादी कर चुके हैं, 3री से करने वाले हैं, मतलब टोटल आपके अलावा तो टोटल इनकी 3 बेगमात हैं आपके साथ, और अब ये चौथी बेगम। मुझे इन्होंने कहा था कि आप मेरी फर्स्ट वाइफ हैं। जी अच्छा, क्योंकि पहली वाइफ को तो ये भूल चुके हैं, तो आपको फर्स्ट बोल दिया इन्होंने। एक सेकंड, कह रहे मजबूरियां बहुत हैं। क्या मजबूरियां हैं? मजबूरियां भी बहुत हैं और बीवियां भी बहुत हैं। अगर इस ज़हनी तवाज़ुन, इस ज़हनी तवाज़ुन और इस मजबूरी के बाद एक के बाद एक गिर रही हैं इस मुल्क में, हमारे मुल्क में मर्दों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है भाई, बहुत रोशन है। अगर अगर ये हो रहा है तो अच्छा, एक सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। मैं बड़ा अपसेट हूँ, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है घर में, कोई इज्जत देता ही नहीं। जैसे दूसरे नॉर्मल शोहर नवाबों की तरह घर जाते हैं, मैं भावलपुर में भी जलील हूँ, यहाँ पर भी जलील हूँ, और मैं चाहता हूँ आपके कोई काम भी इसी तरह के क्योंकि तुमने इज्जत बनाने वाली कोई काम ही नहीं की है। तो तुम कौन सी इज्जत देती थी हर वक्त? तुम पैसों का मुझे ताने मारती रहती है, तुम भी तो पैसों के ताने मारती हो ना मुझे, मैंने अब तुमसे लेने छोड़ दिए। साहिर यहाँ पे मेन इशू ये है, जो दूसरी शादी है वो हमारे सामाजिक उसूल के खिलाफ है। सबसे पहली चीज ये हमें जाननी चाहिए, इसका जो विक्टिम है वो औरत भी है और मर्द भी है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मर चुके उस चीज को अवेल करने की कोशिश करते हैं। जब हम दूसरे कंट्रीज में देखते हैं तो वहाँ समाजी असूल की मतलब ये चीज़ खिलाफ नहीं जाती। ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये है कि विक्टिम यहाँ पे दोनों है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ से आप इंसान को रोकते हो तो वो उसकी मेरा मुझे जो डॉक्टर साहब मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि मजबूरी है, तो मैं मजबूरी समझना चाहता हूँ, क्या मजबूरी है? सर आपको बता चुका हूँ, उनसे शादी हुई है, वो कर लिया, वो हर बात पे उनसे 10,000 भी मांगो तो इतनी बातें सुनाती, मेरा हक नहीं है उनसे पैसे लेना सर। नहीं बिल्कुल नहीं है सर, उनके पास बहुत है। अब वो नवाब भावलपुर के नवाब हैं सर, कौन ये लोग
ये लोग नवाब हैं इसलिए आ गई। आपकी मुबारक हो बहन, आपको मैं याद आ गई कि मैं भावलपुर की नवाब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। इनकी मजबूरी ये है कि ससुर ने इतना पैसे दे दिया, उसको उलटाएं कैसे, ये बेसिकली मजबूरी है। जब तो तीन घर दिखा दियो, हाँ सबको चार चार घर दिखा। मुझे तो ये कहा कि मेरे अपने घर है। अच्छा साहिर, दूसरी या तीसरी शादी अगर करनी भी है तो उसके लिए झूठ धोखाधड़ी छुपा के करना क्यों? अगर आपको जलील होते थे, आप घर में आपको इज्जत नहीं मिलती थी, तो आप अपनी बीवी को डंके की चोट पर बोलते कि ये मेरी जरूरत है और मुझे करनी है दूसरी शादी, धोखा क्यों? तो पैसे बंद हो जाते आपसे। ये इसने किए, मैंने वो सामने बैठी हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खुद अपने हाथ काट के मुझे रोना दिखाते हैं। मैं आपने कभी खाली पेट किसी को इश्क करते हुए देखा? जब कभी देखा, कभी खाली पेट, पेट ये खाली पेट नहीं है, इसके पास ससुर का पैसा है जिसके ऊपर ये चार चार घर। ससुर के पैसे को उड़ाता तो नहीं हूँ ना, बस और ये चार चार घर जो चार चार लोगों को दिखा रहे हैं, पैसों की बुनियाद पे लोगों को घर गाड़ी बंगला जॉब के ऑफर्स दे रहे हैं। आप लोग एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप लोग चुप तो रहे, इतना अजीम आदमी है, इसकी गुफ्तगू तो सुन लें। एक सेकेंड एक सेकेंड मैं करवा रहा हूँ। अब मैं समझ रही हूँ, मजलूम बन के कह रहे हैं परेशान बहुत थी। हर लड़की को देख के इनको ही बस दिल नरम होता है, हर जगह पे ये मौजूद होते हैं। किसी का पता चल जाए किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है या कोई लड़की बहुत मजलूम है तो ये वहाँ सबसे पहले पहुँचे हुए होते हैं। ये तो वैसे बहुत परेशान हूँ मैं आपको बता चुका। वो कौन सा किस्सा? मेरे बच्चे इज्जत करते हैं। एक सेकंड, आपका तो कोई भी इज्जत नहीं करेगा अगर आप यही सब कुछ करते रहे तो। मेरा सवाल ये है कि देखिए आप शादियां करें लेकिन अपने पैसों पर करें ना, आप बीवी के पैसों पर शादियां क्यों कर रहे हैं? Sir. आप करें, आपको अगर करनी है बिल्कुल कीजिए। अब सवाल मेरा कि आपने मुझे कहा है कि मैं रो पड़ूंगा, वो किस्सा बताइए। हाँ, हाँ, हमें भी रोना है। सर इसने परसों अपने भाइयों को बुला के मुझे घर पे इनकी हरकतों की वजह से ना, भाइयों से क्या हुआ? क्योंकि ये रोजाना कोई नई स्टोरियां बताते हैं मुझे कि मैं मुझे आज यहाँ जाना है, आज मुझे बावलपुर जाना है, काम से मुझे आज लाहौर जाना है, घूम रहे होते थे इनके साथ। मुझे तो नहीं पता था ना कि इनके साथ घूम रहे होते थे। अच्छा, हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे बताइए क्या करना चाहती हैं आप? भाई मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो अपने घर वालों के लिए कर रही थी ना, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ? जॉब छोड़े मेरे साथ कोई और मिल जाएगा इनको, जरूरी है मैरिड आदमी से शादी करना आपको? प्लीज मुझसे शादी कर ले। अल्लाह, साहिर भाई मेरा तो दिल चाहता है मैं इस बंदे को मार दूं। मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम ही देने आएंगे मुझे, मैंने तो तुम्हारे नहीं खाए पैसे। अच्छा मैं इसलिए भी कह रही हूँ, इनका कोई भाई नहीं है ना तो ना आएगा ना मारेगा। इसलिए भी फायदा है। थैंक यू। मैं ये बताऊँ कि इन लोगों की भी ये ऐसे नहीं होता, अपनी भी गलती होती है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ कि एक बेटी है जिसे ये फैसला करना पड़ रहा है कि वो अपने ख़ानदान की भलाई के लिए। साइलेंस, थोड़ा सा चुप हो जाइएगा प्लीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। प्लीज़ चुप हो जाइए, प्लीज़ मत बोलिए, पीछे भी चुप करवा दीजिए, प्लीज़ चुप बेटा। असल में इशू ये नहीं, इशू ये है कि ख्वातीन की तादाद ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा, और हमारे माशरे के जो नॉर्म्स हैं वो बड़े अजीब। हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं लेकिन अल्लाह ताला जब कहता है कि मेहनत करो तो वो भूल जाते हैं। अभी इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि जी मैं पैसे लेता हूँ बीवी से, क्या ये मेरा हक नहीं?
आप चाहे मुझे कितना ही दफ्यानुसी क्यों ना कहें, मैं समझूंगा कि नहीं। ये होना चाहिए। मुझे फख्र है अपने मर्द होने पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ख्वातीन पे हाथ उठाऊं या उनका नाजायज फायदा उठाऊं। इसका ये मतलब नहीं। मर्द का मतलब बिल्कुल अलग है। आई डोंट नो आपने क्या मतलब लिया इसका। एक बात याद रखिएगा, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, ना मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद है। आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जितनी स्टोरीज हैं सब रियल हैं। ये स्टोरीज हम तक पहुँची थी, इसकी रीएनएक्टमेंट है, और फैसले जैसे जैसे हुए हैं वैसे वैसे हुए हैं। जहाँ दूसरी शादी होनी थी वहाँ दूसरी शादी भी हुई है, जहाँ दूसरी शादी होनी थी वहाँ भी दूसरी शादी हुई है। अच्छा, हो गई है। जी हो गई है। और जहाँ चौथी शादी होनी थी वहाँ भी चौथी शादी हुई। तो फिर क्या बदला? बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदलता। और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप ख्वातीन को वाकई एम्पावर नहीं करेंगे। तब तक नहीं बदलेगा, ये तब तक नहीं बदलेगा जब ख्वातीन अपनी सोच तब्दील नहीं करेंगी और मर्द अपनी सोच तब्दील नहीं करेंगे। ये तब तक नहीं बदलेगा, ये सब ऐसा ही रहेगा। ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सही क्या है और हमारे लिए सही क्या है। ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम सही नहीं करेंगे, वो नहीं जो हमारे लिए सही है बल्कि वो जो सही है। और दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला सही फैसला होता है। जो आपके लिए सही है वो जरूरी नहीं कि सही। हम में से हर शख्स सिर्फ अपने लिए सही को चुनता है। जो सही होता है उसमें कभी कभी आपका नुकसान भी है, कभी कभी आपको तकलीफ भी है। एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम वाकई माशरे में चेंज चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सच सुनना पड़ेगा। ये बोलने से ज्यादा मुश्किल काम है। मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए कोशिश कीजिए कि मुस्कुराएं। खुदा हाफिज़।